उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में आयोजित एक दंगल प्रतियोगिता में कुश्ती के दौरान उत्तराखंड से आए पहलवान की गर्दन टूटने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बिना अनुमति के यह दंगल आयोजित की गई थी, जिसमें एक पहलवान के दांव से दूसरे पहलवान की गर्दन टूट गई और अखाड़े में ही उसकी सांसें उखड़ गई। कुश्ती के खेल के दौरान पहलवान की मौत का लाइव वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल अभी तक पुलिस ने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। दरअसल मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा कोतवाली इलाके के फरीदनगर में दंगल प्रतियोगिता चल रही थी। इसी में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के गंगापुर का रहने वाला महेश भी भाग ले रहा था। महेश का मुकाबला स्थानीय पहलवान साजिद अंसारी से हुआ। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, साजिद ने दांव लगाया और महेश को गर्दन के बल चित कर दिया। इसके बाद साजिद ने 2-3 बार महेश की गर्दन को हिलाकर छोड़ दिया। इस दौरान वहां मौजूद लोग तालियां भी बजा रहे थे। यह कुश्ती प्रतियोगिता 2 सितंबर को नौमी के मेले में बिना अनुमति को लगाई गई थी। हादसे के बाद लगाई गई पंचायत में महेश की मौत का सौदा 60,000 रुपए में कर दिया गया। 6 दिन बाद जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों को इसकी भनक लगी। हालांकि पुलिस अभी भी किसी भी तरह की जानकारी से इनकार कर रही है। शिकायत पर पुलिस ने कही कार्रवाई की बात एसपी देहात विद्यासागर मिश्र ने बताया कि पुलिस को किसी ने पहलवान की मौत की जानकारी नहीं दी है। इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो भी हमने नहीं देखा। शिकायत आएगी तो जांच कराकर कार्रवाई कराई जाएगी। और अनगढ़ आदमी जो हो ना, वो तो फेल है। अरे इसकी गर्दन खींच दो, गर्दन। अरे पहलवान इसकी गर्दन खींच दो थोड़ी सी। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।